दोस्तों नमस्ते। आज हम बीयर सेकेंड ईयर एर्थ पेपर से मल्टीमीडिया हेतु हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रयोग को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं मल्टीमीडिया के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। विचारों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है और जिसके माध्यम से इन्हें व्यक्त करते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर, रैम, सीडी रोम, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, स्कैनर और स्पीकर को देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर मल्टीमीडिया पीसी माइक्रो प्रोसेसर कम से कम 16 मेगाहर्ट्ज का होना चाहिए। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बेहतर होता है क्योंकि यह ज़्यादा आंकड़ों को अधिक तेजी से संसाधित व परिवर्तित कर सकता है। रैम मल्टीमीडिया पीसी में कम से कम 16 एमबी का रैम होना चाहिए। पीसी में उपलब्ध रैम को बढ़ाने के लिए सीम का उपयोग किया जा सकता है। सीडी रोम मल्टीमीडिया पीसी का यह जरूरी भाग होता है। यह प्लास्टिक से ढके डिस्क का इस्तेमाल इसमें होता है जिससे लेजर बीम के जरिए आंकड़े हासिल किए जाते हैं। सीडी के आंकड़े को सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। मल्टीमीडिया उपयोगों और आंकड़ा फाइलों को दूसरों को देने के लिए सीडी रोम एक आम माध्यम है। मल्टीमीडिया सीडी पर जो आंकड़े जमा हो सकते हैं उनमें कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑडियो तस्वीर, लिखित सामग्री, रेखाचित्र और ऑडियो फाइलें शामिल हैं। साउंड कार्ड के दो मुख्य काम होता है। पहला, माइक्रोफोन से एनालॉग संकेतों को लेकर रिकॉर्ड करना तथा उन्हें वाइंडी आंकड़ों में यह बदल देता है। दूसरा काम, इन आंकड़ों को स्पीकर, हेडफोन या इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्यों द्वारा प्ले करना। ऑडियो बोर्ड किसी भी मल्टीमीडिया पीसी का केंद्रीय अंग होता है। MP3 में साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे डिस्प्ले कार्ड। मल्टीमीडिया पीसी की ग्राफिक क्षमता उसके वीडियो प्रदर्शन मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले बोर्ड की क्षमताओं से आंकी जाती है। इससे वीडियो सघनता और रंग उत्पत्ति की क्षमता को मापने का कार्य करता है। वीडियो सघनता की माप स्क्रीन पर मौजूद क्षैतिज और लंबवत बिंदुओं की संख्या से की जाती है। इन बिंदुओं को पिक्सेल कहते हैं। जितनी अधिक संख्या में वीडियो मॉनिटर और बोर्ड रंग पैदा करेंगे छवि उतनी ही असली लगेगी। स्कैनर इसके द्वारा फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। मल्टीमीडिया में कलर स्कैनर के द्वारा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में प्रयोग करते हैं। स्पीकर पीसी के अंदर छोटे लाउड स्पीकर लगे होते हैं जो विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करने में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का आत्मा होता है। कंप्यूटर के पास खुद का मस्तिष्क नहीं होता। स्वयं चिंतन करके वह कोई कार्य स्वतः नहीं कर पाता। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या काम करे इसके लिए निर्देश देने पड़ते हैं। ये निर्देश एक प्रोग्राम के रूप में होते हैं। ये प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर से तदनुसार कार्य कराते हैं। कोई पत्र लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। ड्राइंग करने के लिए कोरल ड्रा का प्रयोग करेंगे। यह कोरल ड्रा और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एनिमेशन, फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, मीडिया मंकी, ऑडियो वीडियो आदि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर जो है दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम और भाषा अनुवादक आता है। यह तीन तरह का होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूजर्स एप्लीकेशन पैकेज और एप्लीकेशन पैकेज
आता है। तो ये था मल्टीमीडिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।